मेरा बेटा इतना रो रहा है लेकिन इतना रिक्वेस्ट कर रहा है इन दोनों से, लेकिन इन लोग मानने को रेडी नहीं है। बाय बिच्छू। नहीं बोलो नहीं भाई। ठीक है चलिए चलिए मिलते हैं फिर। देर में जो है दर्शियों रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। इधर देखिए कि रुद्र भाई जो है गाड़ी से आ रहे हैं। बाय बाय बाय। तो दर्शियों रेलवे स्टेशन जो है यहां से 6 किलोमीटर दूर है, वहीं पर रुद्र भाई लोग आएंगे और वहीं से जो है हम लोग रुद्र भाई सबको जो है ज्वाइन कर लेंगे और फिर वहां से जो है सीधा हम लोग कटिहार निकल लेंगे। तो ऐसे तो ज्वाइन ही है, साथ साथ ही चल रहे हैं। यहाँ से क्या मस्त सीन है जी, यहाँ से एकदम बिल्कुल भाई। दर्शियों रेलवे स्टेशन जो है पहुंच चुके हैं, यहीं पर हम लोगों को उतरना है। यहां से रुद्र भाई को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे और साथ हम लोग चलेंगे कटिहार। तो ट्रेन के रुकने का इंतजार है, फिर चलते हैं। यहां से ट्रेन जी बैक कर ली है, बैक होकर के येलोरी गेट पॉइंट पर जहां हम लोग जाकर के उतरेंगे। तो यहां पर ट्रेन रुक गई है। चलो बोतल ले लो, बोतल हमको दे दो। सभी लोग यहां से उतर रहे हैं जी। ओके बाय अंकल, आराम से। रुद्र भाई का कॉल आ रहा है। तो रुद्र भाई लोग यहाँ आ चुके हैं, हम लोग चलते हैं उधर। दिया चलो उधर। तो हम लोग जी गाड़ी के अंदर आ गए हैं और झटपट अंदर घुसे क्योंकि जहाँ पर हम लोग थे वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और पुलिस जो है तुरंत तुरंत गाड़ी को निकाल रही थी। हड़बड़ी में जैसे ही वो अंदर घुसे तो देख सकते हैं कैसा हाल है। अभी फिलहाल तो बहुत कुछ खाली हो चुका है, कुछ सामान पीछे चला गया है। जिया बाहर गई हुई है, जिया को वहीं दे दे। यहाँ दीजिए मेरे पास। ठीक है, मेरे पास लेगा, पापा जाएंगे। तो सारा सामान जी हो गया एडजस्ट, उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं सिलीगुड़ी की तरफ। वहाँ पर जो है कुछ मुझे खरीदना भी है और उसके बाद से हम लोग सीधा निकलेंगे कटिहार की ओर। टॉय ट्रेन की राइड जो है मजा आया जी करने में। रुद्र भाई तो महरूम रह गए इससे। नहीं मैंने लिया था टॉय ट्रेन, मैं जस्ट कुछ महीने शिमला में लिया है। आप शिमला? रुद्र भाई लोग शिमला में ले चुके हैं। लिया था मैंने, इससे लंबा राइड था। राइड तो लंबा लेने का यहाँ भी ले सकते थे लेकिन दिक्कत था कि दो लोग थे अपना साथ, टाइम लगता बहुत। दार्जिलिंग से तो हम लोग निकल गए जी और पहुंच गए सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी पहुंच कर गाड़ी का ले रहे हैं कवर। दिक्कत हो जाती है जी जब इसको ओपन में लगाना होता है। सिलीगुड़ी से भी हम लोग आगे निकल गए हैं और हम लोग बीच रास्ते में रुक गए हैं क्योंकि सभी को लग गई है बहुत तेज भूख। हम लोग सोच रहे थे कि कोई भी ढाबा मिल जाए बस रुक के खा लेना है क्योंकि भूख इतनी तेज लग गई है। दार्जिलिंग से जो हम लोग निकले हैं कुछ नहीं खाए हैं और निकले हुए हो चुके हैं अच्छा खासा समय, मतलब समझिए अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और कुछ भी पेट में गया नहीं है। और यहाँ खाने में लगा हुआ है चावल, ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है भोज है, अपने घर का दावत है। ठीक है, उसके बाद जो है दाल आने वाला है और साथ में हमने ऑमलेट मंगाया हुआ है। ये लग रहा है एकदम शादी में नाच रहा है। 20 minutes later. तो सभी की पेट पूजा जी हो गई, सभी लोग भर पेट खा लिए और अब यहाँ से जो निकलेंगे डायरेक्ट कटिहार रुकना है अब। The next day. तो हम लोग कल रात 9 बजे जो है कटिहार पहुंच गए थे और रुद्र भाई और उधर शिवांश को देख सकते हैं, शिवांश अपना बिजी है गेम में। और कल हमने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि इतना ज्यादा थक गए थे हम लोग कल कि दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा था कि शूट करना है कुछ करना है, बस सोच रहे थे कैसे भी घर पहुंचो आराम करना है। ट्रैवलिंग में बहुत आदमी थक जाता है, तो कोई चीज का टाइमिंग होता नहीं है बिल्कुल। और कल तो ऐसा मन था कि कैमरा छूने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल। ऊपर से जब थोड़ा सा हो जाता है कुछ सर्दी और वो सब तो थोड़ा सा, और ऊपर से सिवान तभी जो खराब हो गया ना 3-4 बड़ी उल्टी जो, उस वक्त मेरा मूड ही खराब हो गया। और क्रियांश जो है अभी तक तबीयत ठीक था जब तक ट्रिप था, मन क्या हुआ उसको थोड़ा सा सर्दी ज्यादा हो गया। क्या है दादा दादी से हो सकता है हमारी क्लास भी लगे, फर्स्ट टाइम उसका पहाड़ था ना, उसको ढलने में टाइम लगेगा बाहर के एनवायरनमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इतना घुमा दिए तब भी इसको टाइम लग रहा है। और बच्चे का तबीयत वो तो अभी 6 महीने का है तो देखते हैं बाकी क्या है। उधर अभी कार्टून लगाए हुए थे लेकिन अभी उसको पॉज कर दिया है ताकि कॉपीराइट का कुछ आए नहीं, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो यहाँ जिया जो है किचन में आ गई है। अच्छा पूजा जी भी है पहले से, क्या बन रहा है, खिचड़ी बन रहा है? आज मंगलवार है, मंगलवार को खिचड़ी नहीं बना। कल हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे, वीडियो एडिट किया हुआ रखा हुआ था उसके बाद उसका थंबनेल टाइटल यह सब बनाना था और फिर अपलोड कर देना था।
लेकिन इतना ज्यादा थके हुए थे कि उस थकावट में जो है हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं रहा, बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं रहा कि वो डाल दे। सोच रहे थे कि घर पहुंचे और पहुंच करके जो है कैसे भी सो जाए। यहाँ आ गया जी हम लोगों का कॉफी, तो जल्दी से इसको पीते हैं फिर चलते हैं बाहर। तो क्रियांश जो है अपनी दादी के पास आ चुका है, राइट। ये देख सकते हैं खुशी, इसकी खुशी देखिए इसकी, क्या तबाही मचाया हुआ है क्या, हाय ड्रामा। एक इतना दूध पिया है 3 बार। अच्छा, खाली बदमाश खेलने में तमाशा कर रहा है। नहीं खेलने लगता, फिरोड़िया में बड़ा हो गया। नहीं वैसे रात में जो है ना 2-3 बार उठाता था, कल उठाया भी नहीं लगा, थक गया गाड़ी, थक गया वो। अभी इसको जो है ना मेयर है की खेलने में लगा रहता है, मैंने दूध पी तो खेलने लगता है, कुछ उस पर नजर पड़ जाता है, बड़ा हो गया, मेरा साल देख के खेलता है। 2 hours later. तो अभी हम लोग गए थे जी कार वॉश करने के लिए, और रुद्र भाई गए थे अपना गाड़ी निकालने के लिए। तो रुद्र भाई अपना गाड़ी तो निकाल लिए, साथ में इनका बाहर से वॉश हो गया है, और फिर अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। रुद्र भाई सबको निकलना था 7 बजे की 8 बजे के करीब, 8 बजे लेकिन अभी 10 बजने वाला है। तो सेम हम बताए घर से 10:50 में निकले थे, आपके लिए आए थे। अच्छा, उसमें भी थोड़ा सवेरे निकलना था, वही लग रहा है कि सेम टाइम होने वही होने वाला है। अब तो हम नहाना है, फ्रेश होंगे हम निकलेंगे, तो सेम टाइम होगा। ईवी की रुकते हुए आए थे, मस्ती में हम पहुंच गए जी घर, और यहाँ पर जो है जी आप तैयारी कर रही है, खाना पीना बनाने लगभग बन ही चुका है, बस और हमको जो अपना चार्जिंग एडेप्टर मिल ले रहा है, तो जिया को पर्स ला के थमा दिए क्योंकि ये सामान जो थैंक यू पत्नी महारानी। यहाँ चावल बन चुका है, और यहाँ पर आलू गोभी की सब्जी है, करेले का भुजिया है, दाल है। तो हो गया सारी तैयारी लगभग, तो बस बचा हुआ है पापड़ और सलाद। ठीक है चलो बढ़िया, थोड़ा स्टाइल में बोलते हैं सैलेड। सारे लोग हो गए और अभी जाके हम रेडी हो चुके हैं, तो टाइम हम देख रहे हैं तो 10 बज चुका है, इसीलिए हम सारे नहीं जाइए। नहीं हम घर से निकले थे ना, तो 11 बजे निकले थे, तो अभी मेरे पास 1 घंटा टाइम है। घर नहीं है मेरा बेटा इतना रो रहा है, लेकिन इतना रिक्वेस्ट कर रहा है इन दोनों से, लेकिन इन लोग मानने को रेडी नहीं है। इतना रो रहा है मेरा बेटा, इतना दिन रोया बताइए, आज रो रहा है। दिसंबर का प्लान तो नहीं है उधर आने का, इतना रो रहा है, अभी तक रोया एक बार भी मेरा बेटा, इतना दिन रोया बताइए, आज रो रहा है इतना, लेकिन आप लोग मानने को रेडी। क्यों रो रहे बेटा, कहाँ नहीं यही हंस रहा है, बताओ कितना कोशिश करेंगे। तो अब क्रियांश भी यहाँ पर कर रहा है ब्लॉगिंग, और अब जो है सभी का खाना लगाया जाएगा, तो सभी लोग खाएंगे। यहाँ शिवांश को देख सकते हैं आराम से योगा भी कर रहा है, योगा चल रहा है, जिम पुशअप मार रहा है। पुशअप मार बेटा, मेरे पास आएगा नहीं, कैसे देता वही लदा की पापा पकड़ लेंगे। A few moments later. ये किसका? वही ना, चलिए चलिए, तो ये सारा सामान लेकर के चलते हैं रुद्र भाई की गाड़ी में, जो है शिफ्ट कर देते हैं। और भी बैग है, हो गया ना। यहाँ पर बार बार ये पपी आते जा रहा है, जब भी हम लोग आते हैं ये पपी आ जाता है, अगर इसकी वो दोस्ती हो गया हम लोग से। अच्छा जाने के लिए, बाद में खाइए, नहीं खाइए ना, खा लेंगे। उधर इनका खाना लग गया जी, और इधर नानी आ गई है, क्रियास की मालिश कर रही है। बदमाश है कोई क्रियास, देख मोबाइल हाथ में लेके रखा था, तब नानी हटाई है। प्रीमियम, तो बताओ पूजा कैसा लगा तुमको खाना? बहुत अच्छा। आपको भैया? बहुत बढ़िया। माँ बनाई है, अच्छा लगता है ना? जरूर। अच्छा देख लो, नहीं लेगा ये, लेता ही नहीं, लेता ही नहीं, ये ले लो बाबू, गेम खेल लेना इसे, एक कुछ ले लेना टॉय, ये लेता ही नहीं। आशीर्वादी हम लोग की तरफ से, आशीर्वादी है, अटेगा नहीं अटेगा, हम लोग को समय नहीं मिला थोड़ा सा। इसको क्या हो गया अचानक? वो है ओए, क्या हो गया क्या? नहीं चाह रहा कि जाए बेटा, क्यों रो रहा है? नहीं जाने का हो रहा है, फिर आ जाएंगे, तुम ही आ जाना घूमने। बाय शिवांश, कैमरा देख रहा है, ले लिया बॉटल, पानी वाला बॉटल। बाय बिच्चू, नहीं बोलो नहीं बाय, ये बाय नहीं, ये हाय करता है। कोट पैंट पहन ले।
दादी को पाम कर ले। ए बाबा लो दादी को पाम कर लो। पाम कर लो नहीं चलेगा गंदी बात है बेटा। माँ बाप का तेरा आशीर्वाद चल रहा है। भैया की शादी घूमी घूमी करने शांत है देख रहे नहीं हुआ गाड़ी से अभी बाइक से घूम के आया है अभी बाबा को भर के कितना भी घूमता है तो बहुत दिक्कत है। बाय करो दादी को तब ले चलेंगे। बाय 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 करो बाय करो बाय बाय ठीक है चलिए चलिए मिलते हैं फिर। तो यहाँ से रुद्र और पूजा तो चले गए जी और अब चलते हैं अंदर और पापा को भी कोर्ट छोड़ना है तो उनको छोड़ के आते हैं फिर अपना भोजन पानी करते हैं और काफी अच्छा लगा उन लोगों से मिल करके। जिया उन्होंने क्या कुछ बोलना चाहेगी? कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा था। आपने से बहुत लोग कह रहे थे ऐसा अस्थायी रहने पर इतना संबंध में प्रगाढ़ता नहीं रहती है लेकिन और मिलन और बिछड़न जो है यह नियति का नियम है यह होता रहे और भगवान इसको बना कर रखे।